और आइए अब बात करते हैं एमसीडी चुनाव की। कांग्रेस ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी ने वादा किया है कि अगर एमसीडी में उसकी जीत होती है तो लोगों के मुफ्त आरओ वाटर की सप्लाई होगी, दिल्ली के तमाम इलाकों से गंदगी की सफाई होगी। इधर बीजेपी ने एक बार फिर झुग्गी वासियों को मकान का सपना दिखाया है। नया नाम एमसीडी को दिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारी के नाम से आज दिल्ली की पहचान बन चुकी। तो एक तरफ ये भाजपा की एमसीडी मतलब मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट और दूसरी तरफ प्रदूषित शहर। दिल्ली के हर घर में आरओ की व्यवस्था की जाएगी जिससे पेयजल लोगों को खरीदना ना पड़े। 100% कचरे की सफाई, मुफ्त आरओ वाटर की सप्लाई, हाउस टैक्स माफ, पिछला पूरा माफ। दिल्ली नगर निगम के चुनावी दंगल में कांग्रेस ने अपना लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और इस घोषणा पत्र में तमाम दावे वादों के साथ कई लुभावने बातें भी हैं। आपको बता दें कि इस घोषणा पत्र में सबसे पहले कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो निगम में आती है तो हर घर में फ्री आरओ लगाया जाएगा। इसके अलावा हाउस टैक्स जो है उसको आने वाले समय में अगला माफ करेंगे और जिनका 32 गज से नीचे फ्लैट है उसको पूरा माफ किया जाएगा। एमसीडी के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में पार्टी ने कई वादे किए हैं। कांग्रेस ने घोषणा की कि अगर एमसीडी चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी तो कचरे का 100% डोर टू डोर कलेक्शन होगा। वर्तमान 23% ग्रीन क्षेत्र को बढ़ाकर अगले 5 सालों में 32% करने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर मुफ्त आरओ का पानी मिलेगा, हाउस टैक्स पिछला माफ और अगला हाफ, एमसीडी स्कूलों को डे बोर्डिंग बनाया जाएगा, दलित मॉडल वार्ड होगा, दलित कल्याण के लिए ठेका प्रथा खत्म होगी, सफाई कर्मचारी पक्के किए जाएंगे, संत श्री गुरु रविदास जी के विशाल मंदिर का कांग्रेस पार्टी निर्माण करवाएगी, दलित समुदाय के लिए राजीव रत्न आवास योजना शुरू की जाएगी, 5वीं तक के छात्रों को टैबलेट मुहैया कराए जाएंगे, छठ घाटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, गाजीपुर, भलसवा और ओखला में कूड़े के कुतुब मीनार को 18 महीने में खत्म किया जाएगा, पार्षदों के कोष का सामाजिक ऑडिट होगा, डोमेस्टिक वर्कर को आर्थिक मदद के लिए शीला दीक्षित घरेलू मजदूर कल्याण योजना लाई जाएगी। घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एमसीडी को सबसे भ्रष्ट विभाग बना दिया है, तो वहीं पिछले 8 सालों से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का फर्जीवाड़ा चल रहा है। बीमारियों का घर, एक नया नाम एमसीडी को दिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों के नाम से आज दिल्ली की पहचान बन चुकी है। तो एक तरफ ये भाजपा की एमसीडी मतलब मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट और दूसरी तरफ प्रदूषित शहर। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है एमसीडी पर। 15 साल में कितने ही मेयर हुए लेकिन आज एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसके बूते पर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का चुनाव लड़ सके। इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री के मुंह के पीछे छिपकर लड़ना पड़ रहा है। आपने क्या किया 15 साल एमसीडी में, उसको कमीशन और करप्शन का अड्डा बनाकर रख दिया है। आपने दिल्ली को चिकनगुनिया, आपने दिल्ली को डेंगू, आपने दिल्ली को मलेरिया, आपने दिल्ली को कूड़ा घर बनाकर रख दिया है। ये जिम्मेदारी आपकी है, आप अब आपके कितने भी वादे कर दीजिए। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार ने इल्जाम लगाया कि सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली दंगों पर खामोश रहे, कोरोना से हुई मौतों पर भी केजरीवाल ने चुप्पी साध ली। लगातार दंगे हो रहे हैं, चुप, लगातार मौत हो रही है, डायरिया, डेंगू, टाइफाइड, तो केजरीवाल है तो टाइफाइड मुमकिन है, केजरीवाल है तो डेंगू मुमकिन है। एमसीडी के दंगल में आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलवार को डोर टू डोर कैंपेन करने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल ने मलकागंज में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो के बाद जनता को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर इल्जामों की झड़ी लगा दी, तो साथ ही अब की बार एमसीडी में झाड़ू चलने की मुनादी कर दी। योगी आदित्यनाथ जी डोर टू डोर कर रहे थे, एक जगह गए, जनता ने पूछा कि आप तो वोट क्यों दें, 15 साल में आपने क्या काम किया,
योगी जी को पता ही नहीं था, उनको समझ नहीं आया। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को फोन करा, बोले कि हमने, योगी जी ने पूछा शिवराज सिंह चौहान से, भाई हमने 15 साल में क्या काम करा, बोला मेरे को भी नहीं पता। बीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली में जिनके पास घर नहीं है ऐसे 10 लाख लोगों को घर दिए जाएंगे और जहां झुग्गी वहीं मकान योजना चुनाव के बाद भी जारी रहेगी। दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी में जहां झुग्गी वहीं मकान 10 लाख लोग बेनिफिट करेंगे। झुग्गी झोपड़ी वाले में रहने वाले लोगों को एक पक्का मॉडर्न आवास जिसमें शौचालय होगा, किचन होगा, बाकी सारी मॉडर्न सुविधाएं होंगी। और जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कालका जी के ये जो 3000 फ्लैट बने हैं उसके उस जैसा उसी क्वालिटी का। हमने लोगों की समस्याओं को समझा, सभी सांसदों ने एक स्वर में संस्तुति की कि लोगों को अपने घर का रिकंस्ट्रक्शन करना हो, थोड़ा बढ़ाना हो, तो इसमें क्यों सारी शक्तियां आकर के उसके ऊपर टूट पड़ती हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी संस्तुति को मान लिया, आज यूडी मिनिस्टर साहब ने खुद अनाउंसमेंट किया, हम सब साथ बैठे थे। ये दिल्ली के लिए एक दूसरी दिवाली का अवसर है। गला सूख रहा है, घर घर आपको खोल देना है, बहुत कमी हो गई है पानी की, चलिए आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, शराब तो दे दीजिए, एक के साथ एक मुफ्त दे दीजिए। कौन सी ऐसी जनसभाएं थी, मोहल्ला सभाएं थी जिन्होंने इस प्रकार की पॉलिसी को स्वीकृति दी, ये जानना चाहते हैं। अरविंद जी, कौन सी ऐसी आपकी जनसभा क्या ये मोहल्ला सभाएं थी जिन्होंने ये स्वीकृति दी कि ये जो शराब के ठेकेदार है उनके कमीशन को 2% से बढ़ा करके 12% कर दिया जाएगा, ये स्वीकृति कौन सी मोहल्ला सभाओं ने दी थी, ये भी बीजेपी जानना चाहती है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में फिर से कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी उतार दिया है। गडकरी जी को जय श्री राम। दिल्ली में एक वार्ड ऐसा है जो जंगपुरा वार्ड 144 है, जहां से कांग्रेस ने नॉमिनेशन भी फाइल नहीं किया है, यानी यहां पे कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है, यहां पे जो कैंडिडेट है उसे कांग्रेस समर्थन दे रही है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है तरविंदर सिंह मारवा जो 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं, वो बीजेपी का दामन थाम के अब उनके जो बेटे हैं वो चुनावी मैदान में हैं। और ठीक सामने आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिनको यहाँ पे फ्लाईओवर मैन कहा जा रहा है। जंगपुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने अपने मंत्रालय की उपलब्धियाँ गिनाई तो भविष्य की योजनाएं भी बताई। नितिन गडकरी जी, 250 वार्ड वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। पल्लवी झा और दिव्या अग्रवाल के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज 24।